YouTube channel and I'm Ruchi. So I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रख रहे होंगे. So guys, हम फेस में बहुत कुछ करते हैं और फेस में सिर्फ एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम दूर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं. यानी कि अगर आपके काले घेरे हैं तो उसको दूर करने के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. फेस में चमक नहीं है तो उसको दूर करने के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. झाइयों के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. एक्ने पिंपल के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है. यहाँ तक कि स्किन को टाइट और गोरा बनाने के लिए भी अलग ट्रीटमेंट होता है. लेकिन अगर मैं सीधी सरल भाषा में बात करूं तो मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी जो कि मेरी खुद की आजमाई हुई है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी स्किन को गोरा भी करेगी और टाइट भी करेगी, यानी कि रिंकल्स फ्री कर देगी आपकी स्किन को उसके दो बार के इस्तेमाल से ही. तो कैसे करेगी, क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. इस पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है. सबसे पहले तो आपको एक खाली क्लीन बाउल लेना है, यानी कि कोई भी साफ सुथरी जो आपके घर में बोल हो, कटोरी हो, उसको आपको लेना है. कांच का, स्टील का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लीजिए. सो मैंने यहाँ पे ली है कांच की खाली और साफ सुथरी कटोरी. एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन को टाइट और ब्राइटन करता है वो है आपका चावल का आटा. चावल का आटा आप घर में इजीली बना सकते हैं. बस इसको हल्का सा दरदरा रखिए ताकि आप इसे अपने ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को रिमूव कर सके. और ये एक बहुत अच्छा स्क्रबर का भी काम करता है चावल का आटा. जैसे कि आप सभी जानते हैं ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है और आपकी स्किन को निखारता भी, यानी कि आपके डेड सेल्स को रिपेयर करता है और बिल्कुल ही रिमूव करके आपकी स्किन को अंदर से निखार लाता है. ग्लोइंग लुक आपकी स्किन को प्रदान करता है. सो आपको चावल का आटा यहाँ पे लेना है जो कि इजिली आप घर पे भी बना सकते हैं. आप चाहे तो इसे मार्केट में भी ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में भी पिसा हुआ चावल का आटा आता है और मार्केट में शायद आपको बहुत ज्यादा महीन वाला मिल जाएगा. सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है शहद यानी कि हनी. सो हनी को मैंने ऐसा निकाल के रखा है क्योंकि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ यूज करती रहती हूँ. सो इसलिए मैंने इसे कंटेनर से निकाल के इसमें डाल लिया है. हनी जो होता है वो आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है, यानी कि आपकी नमी को स्किन में बरकरार रखती है. जो आपकी एक्चुअल ओरिजिनल नमी होती है जो हमारे स्किन की होती है उसको लॉक करके रखती है. इसके अलावा ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट करती है, यानी कि आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड से बचाती है. अगर आपकी स्किन में नमी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी स्किन, बहुत ज्यादा रूखी, डैमेज और ड्राई लगेगी. सो उसको ये दूर करती है. इसके अलावा आपको एक खास चीज लेनी है, एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल शायद आपने कभी अपने फेस के लिए नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते इसके जो बेनिफिट्स हैं तो प्लीज एक बार गूगल जरूर कीजिएगा तो आपको वहां पे इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे. एंड ये ऐसी चीज है जो कि हर घर में होती है, इजिली आपको बहुत कम समय में ये रेडी भी हो जाती है. आपको यहाँ पे लेना है चाय पत्ती का पानी. यस गाइस, चाय पत्ती का पानी जिसमें निकोटिन एंड कैफीन होता है ये आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है, टाइट भी करती है. स्किन के जितने भी इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होती है, उसको बाहर कर देती है. एक बार में स्किन में गजब का ग्लो लेके आती है. अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो आपकी स्किन को, अपने चेहरे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाती है चाय पत्ती का पानी. तो चाय पत्ती का पानी आपको बनाना कैसे है, सिंपल सा, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए एक कप पानी लेना है और आधा चम्मच उसमें चाय पत्ती डालनी है. उसे बॉयल करना है, उसके बाद छान के अलग कर लेना है, ठंडा कर लेना है. सो मैंने इसमें चाय पत्ती के पानी को रखा हुआ है और ये ठंडा हो चुका है क्योंकि गर्म हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ठंडा ही इस्तेमाल करना है. सो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं. रेमेडी को पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है एंड सेकेंड स्टेप क्या है. तो सबसे पहले हमें लेना है एक क्लीन बाउल. इसके बाद उस स्पून से आपको लेना है एक चम्मच चावल का आटा. सो मैं यहाँ पे सामने ही आपको ऐसा दिखा रही हूं. एक चम्मच चावल का आटा आपको लेना है इस तरीके से बाउल में. इसके बाद आपको लेना है हनी. हनी आपको लेना है तो हनी हम ऐसे ही डाल देते हैं एज अ मीजर. और एक चम्मच आपको हनी भी ऐड करनी है इसमें, तो आपने हनी ऐड कर दी. इसके बाद आपको लेना है चाय पत्ती के पानी को. सो चाय पत्ती के पानी को आपको बस एज अ पेस्ट बनाने के लिए डालना है, लेकिन प्रॉपर इतना रहे कि आपका चाय पत्ती का पानी जो है ये पूरा पेस्ट अच्छे से बन जाए. सो हम यहाँ पे चाय पत्ती के पानी को, हमने एक चम्मच चाय पत्ती के पानी को भी ले लिया.
क्योंकि चावल जो होता है, चाहे आपका दरदरा चावल है या बहुत महीन पिसा हुआ है, फिर भी चावल जो है होता है वो पानी को सोक करता है, यानी कि इसमें सोखने की यानी कि सूखने की इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है। सो अगर आपने ज्यादा भी डाल दिया है तो कोई बात नहीं, इसको आपको बस मिक्स कर लेना है इस तरीके से और एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। और पेस्ट रेडी होने के बाद इसे थोड़ी देर आपको छोड़ देना है, जब तक ये गाढ़ा होता है तब तक हम अपना फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे फेस पे, यानी कि हमें करनी है क्लींजिंग, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हर एक पैक के साथ आपको क्लींज करना बहुत जरूरी है। कोई भी पैक आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्लींजिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो मैंने यहाँ पे लिया है अगेन रोज एंड सेफ्रॉन मिस्ट स्प्रे और मैं करूंगी अपने फेस को क्लींज। तो आप यहाँ पे रॉ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास टोनर हो क्यूकम्बर का या फिर एलोवेरा का या फिर रोज का तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्प्रे कर लिया हमने, अब अपने फेस को क्लीन अप कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सो अच्छे से मैंने यहाँ पे ये देखिए इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने पूरे फेस को क्लींस कर लिया है, अब हमें इसे छोड़ देना है और हमारा जो पैक है उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। सो गाइस हमारा जो पैक है वो रेडी हो गया है और ये अच्छे से थिक हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरह कलर आपका ये निकल के आएगा। सो आप इसे ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें स्क्रब भी करना है तो मैं यहाँ पे अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे ब्रश से नहीं लगा रही हूँ। तो स्पून को कर देंगे हम किनारे एंड इसके बाद हम इसे अपने फिंगर में लेकर के अपने पूरे फेस में और नेक एरिया में, यहाँ पे नेक एरिया को कवर नहीं कर रही हूँ, ओनली फेस एरिया को कवर कर रही हूँ। सो आपको इसे अपने नेक एरिया में भी कवर करना है और इस तरीके से पूरे फेस में आपको इसे लगा लेना है, स्प्रेड कर लेना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप अप्लाई करें और स्क्रब करना है, यानी कि स्क्रब भी करना है साथ में, तो साथ ही साथ अपने स्किन में मसाज भी करते रहिए, ताकि जो आपका पैक है वो इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरे फेस में अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, यानी कि इसे हल्का सा ड्राई होने देना है, हल्का से ही ड्राई होने देना है। उसके बाद आपको इसे मसाज करना है, यानी कि स्क्रब करना है अपने फेस की, देन इसके बाद आपको प्लेन वाटर से इसे वॉश करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रब करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स 2 मिनट छोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे अपने फेस में अच्छे से मसाज करना है। तो सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में इसे मसाज करना है और यहाँ पे मसाजिंग यानी कि प्रेशर पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हार्श नहीं, यानी कि हार्ड नहीं करनी है, बहुत सॉफ्ट हैंड से अपने स्किन में मसाज करना है आपको इस तरीके से। स्टेप देख लीजिएगा अच्छे से। नोज एरिया में यानी कि यहाँ पे ब्लैक हेड्स की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सो यहाँ पे हमेशा ऐसे ऐसे उसके बाद गोल गोल सर्कुलर मोशन में कीजिए, ताकि जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स हैं वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाएंगे।
यहाँ पे भी कुछ लोगों के होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, सो इसलिए ऐसे ऐसे भी कीजिए और सर्कुलर यानी कि राउंड मोशन में भी कीजिए, जो आगे टिप के हैं वो निकलेंगे। तो बस 5 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करने के बाद इसे नॉर्मल प्लेन पानी से आपको वॉश कर लेना है। इसे मतलब अपने फेस पे छोड़ना नहीं है एज अ ड्राई होने के लिए। मसाजिंग इसका मेन स्टेप है, सो मसाज करना है 5 मिनट और इसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे इसको वॉश कर लेना है, तो चलिए वॉश कर लेते हैं फिर आपसे। मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन टाइट भी हो जाएगी और ग्लोइंग, यानी कि जो ग्लो है वो आपको तुरंत यानी कि इमिडिएटली अपने फेस पे शो होगा। सो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही काम आने वाली चीजें, एक ऐसी चीज जो कि इजीली आपको इंग्रेडिएंट आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे, कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को आप टाइट भी कर सकते हैं और गोरा निखार भी कर सकते हैं। गोरा होने का मतलब ये नहीं कि एकदम ही से एकदम आप अगर ब्लैक हैं तो बिल्कुल एकदम गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। गोरा होने का मतलब ये होता है कि ये हमारी स्किन के अंदर से गंदगी को निकालता है, तो जो हमारी स्किन में धूल या प्रदूषण जो होते हैं वो हमारी स्किन में जो जम जाते हैं, या सन की जो धूप की किरणें होती है वो हमारी स्किन में पड़ते पड़ते जम जाती हैं, तो उसको ये क्लियर करता है यानी कि साफ करता है। जब ऐसा होता है तो आपकी ओरिजिनल स्किन बाहर आती है, यानी कि आपकी स्किन और ज्यादा साफ लगती है। सो इसी तरीके से ये आपकी स्किन को साफ करेगा और आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।